प्रायोजक हैं राजयोग पेन, खुशियाँ आपकी, रंग हमारे। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप फाइव, एक बार फिर हम हाजिर है आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो देखते हैं आज के टॉप फाइव में क्या खास। सबसे पहले अहम खबर, आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। उन्हें 1 अप्रैल तक के लिए ईडी की हिरासत में फिर भेज दिया है। हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इनको पेश किया था, जहां से कोर्ट ने राहत नहीं दी, 1 अप्रैल तक की हिरासत अवधि बढ़ा दी है। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी। और देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे और पिंकी आनंद सहित देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस चिट्ठी में कहा है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है। इन वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। चिट्ठी में कहा गया है कि इनकी गतिविधि देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए खतरा है। चलिए अब आपको आज की एक और अहम खबर 4 तस्वीरों के साथ दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच पूरे देश में ईडी के छापे जारी हैं, इससे जुड़ी ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल, विपक्षी दल जैसे कि आम आदमी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस की नेता और लोकसभा उम्मीदवार मोहिया मोइत्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी ईडी ने 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए। और मुंबई उत्तर से शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को भी 3 साल पुराने मामले में ईडी ने नोटिस जारी किया है। अमोल कीर्तिकर अगर गिरफ्तार होते हैं तो जेल के भीतर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मामला सामने है, ईडी हिरासत बढ़ गई है, 1 अप्रैल तक रिमांड और दे दी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं के घर भी दबिश हो रही है। दीपक सिंगला के घर कल ईडी ने छापेमारी की थी। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से कांग्रेस ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का राग अलापने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि एक सीट पर 375 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतरने चाहिए। नाम वापसी के बाद मैदान में कम से कम 375 कैंडिडेट मैदान में होना चाहिए, जिससे बैलेट पेपर से मतदान का रास्ता साफ होगा और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होगी। भूपेश बघेल का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम विजय बघेल ने कहा कि पूरी दुनिया ईवीएम की तारीफ करती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक होता है, जब चुनाव लड़ना होता है तो ईवीएम खराब हो जाता है। जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए, अच्छे काम के लिए राजनीति करनी चाहिए। ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं है, समूचे विश्व में है। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते। और आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, अच्छे कामों के लिए राजनीति करें, सिर्फ विरोध करना है इसलिए राजनीति नहीं करना। और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की सियासी हलचल का। भोपाल में कांग्रेस को आज फिर बड़ा झटका लगा। आज 2 पूर्व MLA और 1 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। भिंड से पूर्व सांसद रामलखन सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं जबलपुर के पाटन से पूर्व विधायक निलेश अवस्थी, छतरपुर से पूर्व विधायक अजय सिंह यादव ने भाजपा की सदस्यता ली।
इधर छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी ही पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। कांग्रेस की सरकार में विकास की बात नहीं होती थी, भाजपा ने विकास के नए अध्याय की शुरुआत की और इसलिए बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के पीडीएस वाले बयान पर किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तभी जनता ने उन्हें 5 साल में ही नकार दिया। हजारों की संख्या में लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता और कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, तो ये तो उनको चिंता करना चाहिए। जब उनसे नहीं संभल रहा है तो निश्चित रूप से वो दूसरे भाजपा के ऊपर कुछ ना कुछ तो कहेंगे। हमारे पीडीएस 1 रुपए 2 रुपए किलो का चावल की शुरुआत तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने शुरुआत किया था। आपका क्या कमाल है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ वादे किए हैं 5 साल, इसलिए तो 5 साल में जनता ने नकार दिया। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा एक बार फिर से अपने अजीबोगरीब बयान को लेकर सुर्खियों में है। जगदलपुर में एक चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि मैं तो बेटे के लिए बहू तलाशने के लिए गया था, लेकिन पार्टी ने तो मुझे दुल्हन सौंप दी। उन्होंने कहा कि वो टिकट नहीं मांग रहे थे। लखमा का बयान आते ही सभा में मौजूद समर्थक ठहाके लगाते दिखे। लखमा के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि लखमा को अपनी हार दिख रही है, लिहाजा वो अभी बहाना बनाना शुरू कर चुके हैं। तो टिकट नहीं मांगा मेरा, ये आपको दीपक बैस को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीताना है, अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डाउकी मांगने गया, बुआरी तो मेरे को सौंप दी। कांग्रेस पार्टी को ये होश ही नहीं है कि कौन लड़ना चाहता है, किसको लड़ाना चाहिए। उन्होंने शादी की संज्ञा पर कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और इस बयान से स्पष्ट समझ में आता है कि वो मानसिक रूप से चुनाव लड़ने के लिए कितना तैयार हैं। उनको स्वयं अपनी निश्चित हार दिख रही, इसलिए अभी से वो सफाई देना प्रारंभ कर दी कि मैं लड़ना नहीं चाहता था। और अब सियासी जगत के बयानों से इतर एक और बयान जिस पर विवाद हो रहा है। सीधी से जगत गुरु परमहंस आचार्य का एक बयान सामने आया जिस पर विवाद बन गया। मुस्लिम महिलाओं के लिए इस्लाम को वे नरक बताते सुने गए। उन्होंने कहा मुस्लिम महिलाओं के लिए धरती पर नरक है इस्लाम, मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करती है तो मिलती है जन्नत। इस बयान पर विवाद हुए। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो पहले हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा संवैधानिक रूप से। आज जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अगर धरती पर नरक देखा जाए तो इस्लाम है। भाई कौन महिला चाहेगी कि 4 बीवी 5 बीवी रहे, उसको उसके साथ में बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जाए, उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। आज तमाम ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो सनातन धर्म घर वापसी करती हैं, वो कहती हैं कि हमारे लिए जीते जी जन्नत मिल गया। हर महिला के लिए इस्लाम जो है वो समझिए कि जहन्नुम है। थानला विधायक वीर सिंह भुरिया के बेतुके बयान के बाद झाबुआ जिले के राजनीति गर्मा गई है। विधायक भुरिया ने भाजपा प्रत्याशी अनीता चौहान पर गुंडा, चोर और डाकू जैसे आरोप लगाए थे। साथ ही अन्य दलों के प्रत्याशी की बात करने वाले के हाथ काटने के भी बात कहे थे, जिसको लेकर भाजपा सहित जेएस के कार्यकर्ता काफी नाराज हैं, जिनकी नाराजगी भी अब सड़कों पर नजर आ रही है। बुधवार और गुरुवार रात कल्याणपुरा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने विधायक वीर सिंह भुरिया का पुतला जलाया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छत्तीसगढ़ के मेहतारियों के लिए एक अच्छी खबर बता दें, इस बार 1 तारीख को मेहतारियों को सौगात मिलेगी। 1 तारीख को मेहतारी वंदन योजना की राशि आएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने बालोद में मंच से इसकी घोषणा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के भाषण के बाद ये घोषणा की गई है और उन्होंने कहा कि इस बार मेहतारी वंदन योजना की राशि 1 तारीख को ही आ जाएगी। और आप मल्ला में बता दूं कि पहला सप्ताह में ही आप मन के मेहतारी वंदन के पैसा आप उनके खाता में आ जाएंगे। अगले महीना के हमारा अध्यक्ष के आदेश है कि 1 तारीख को देना है तो 1 तारीख को भिजवा देंगे। एक तारीख को आप मेरे खाता में भिजवा देंगे 1,000 रुपया और हर महीना पहले सप्ताह में मिले।
इधर भोपाल से 75 वर्षीय वृद्ध से उन्हीं के घर वालों ने मारपीट की, जिसका वीडियो कल सामने भी आया था। आज आईबीसी 24 से पीड़ित ने अपना दर्द बयां किया। कहा कि पोता और बहू पाइप और मूसल से मारते थे, जेवर और पैसा भी छीना। 2 महीने से बुजुर्ग महिला प्रताड़ित हो रही थी और पीड़ित दादी ने कठोर सजा देने की मांग भी इस दौरान की है। वो मारा तो सब ने मामी मारा थी, दोनों मिल के मारा नहीं बचा, बचा नहीं 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 मार सही रहे वो मैं कपड़ा छू से डंडा हो रहा है और छाती से चले। तो कल ही हमने आपको ये खबर दिखाई थी, इसके असर की बात भी दिखाई थी कि कैसे बाद में हाथ जोड़ा। अब एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुक कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता गोविंदा शिवसेना में शामिल हो गए हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं गोविंदा। हालांकि उनका राजनीति से कनेक्शन नया नहीं है, इसके पहले भी वो सियासत में रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब शिवसेना में शामिल होकर वे लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। फार वर्ष झाले आम्ही जी मुंबई बघायचो ती सुरुवातीला त्यापासून आता जास्त सुंदर दिसते, प्रोग्रेस दिसतोय आणि हा जो सौंदर्यीकरण जो सब्जेक्ट आहे हा आदरणीय एकनाथ साहेब आले तेव्हापासून मुंबई मध्ये जास्त हा दिसतोय, हवा असो रस्ते असो। तो आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेता गोविंदा को, जो हाल ही में अब शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। रुक करेंगे शिवपुरी का, जहां पर घर के बाहर शौच करने पर नाबालिग की बेल्ट से पिटाई की खबर सामने आई। आरोपी ने वीडियो अपलोड कर रौब दिखाया, नाबालिग के पीटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देहात थाना क्षेत्र की लुधावली गौशाला क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बिलासपुर से होली पर मारपीट का वीडियो सामने आया है। होली खेलने के दौरान जमकर मारपीट हुई। होली खेल रहे युवकों और कार सवारों के बीच मारपीट हुई है। कार सवार युवकों ने होली खेल रहे युवक को पीटा। एक युवक को कार के गेट से लटकाकर दूर तक भी घसीटा। सीसीटीवी में यह पूरी वारदात कैद हो गई है और वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। सकरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं अंबिकापुर से। आपसी विवाद को लेकर घर में आग लगा दी। आग लगने से सामान खाक हो गया। जमीन संबंधी विवाद है। पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत कर दी है। करीमा थाना क्षेत्र के पाकजाम गांव की घटना है। पुलिस अब इसकी छानबीन कर रही है। विवाद कितना पुराना है, कब शिकायत हुई थी देखें आप। लेकिन जमीन विवाद में एक घर में आग लगा दी, सामान खाक हो गया। जमीनी विवाद एक बार फिर बड़े नुकसान की वजह बना है। एक कच्चे मकान में आग लगा दी गई है। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम पाकजाम की घटना है। इधर ग्वालियर में बदमाश ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया है, इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि घायल युवक का दूसरे युवकों से विवाद हुआ था। गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। नकगंज थाने के निम्बाजी की यह पूरी घटना है। उधर खरगोन जिले के करौंदिया गांव में झगड़ा खत्म करने को लेकर दो पक्षों में एक नया विवाद हो गया। करौंदिया निवाड़ी के एक शादीशुदा युवती को प्रताड़ना के चलते उसके पिता घर ले गए। इसके बाद युवती के ससुराल वालों ने वहां आकर झगड़ा किया, चाकूबाजी कर दी। घायल युवती ने बताया कि झगड़ा खत्म करने के एवज में आदिवासी परंपरा के मुताबिक लड़के वालों को 1.5 लाख रुपए देने थे, लेकिन लड़के पक्ष के 30 से 35 लोग आए और गांव में आकर झगड़ा शुरू कर दिया, चाकूबाजी की। घर वालों से विवाद हुआ। चाकूबाजी के दौरान लड़की पक्ष के 4 और लड़के पक्ष के 2 लोग जख्मी भी हो गए।
भिंड में दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों से 16 लोग घायल हुए हैं। रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। देहात छाना क्षेत्र के पूर गांव का ये मामला है। राजिम से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। खड़ी बस में आग लग गई है और आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। आग लगने की वजह अब तक अज्ञात है। फिंगेश्वर के नया बाजार की घटना बताई जा रही है। तो खड़ी बस में आग लग गई है। हालांकि आग क्यों लगी है, इसके पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। फिंगेश्वर के नया बाजार की घटना बताई जा रही है। तो राजिम की तस्वीर जहां पर एक खड़ी बस में आग लग गई। आग लगने से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि आग क्यों लगी है, इसके पीछे की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया। नया बाजार इलाके की घटना है जहां पर एक खड़ी बस में आग लग गई। मुलहरा में दिनदहाड़े दुकानदार पर बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उधार का पैसा मांगने के दौरान दोनों में विवाद हुआ था और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जौरा थाने के बस स्टैंड के पास की घटना है। छतरपुर में दो शराबियों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। शराबियों ने शराब दुकान के बाहर हंगामा भी किया। शराबियों के उत्पात से राहगीरों को परेशानी हुई। नेशनल हाईवे पर बस स्टैंड के पास शराब दुकान है जहां पर यह पूरा हादसा हुआ। ग्वालियर में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। होली पर फायरिंग करने वाले ये सभी जो 5 आरोपी थे इन्हें गिरफ्तार किया गया था। वैस परिवार पर रंगदारी दिखाने कट्टे से फायरिंग की थी और पुलिस ने फायरिंग वाले स्थान पर भीकम नगर से हजीरा थाने तक बाकायदा जुलूस निकाला इनका। और अब आपको दिखाते हैं रफ्तार का कहर। इंदौर में बेकाबू रफ्तार ने कैसे कहर बरपाया, इसकी तस्वीरें दिखाएंगे। शहर के 2 इलाकों में हुए सड़क हादसों की तस्वीर है। एमआईजी थाना क्षेत्र में बाइक और 2 कार में टक्कर हो गई और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तस्वीर खजराना की है जहां पर क्षेत्र में बेकाबू कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और बैतूल से खबर है जहां पे हिवरा गांव में कुएं में मासूम बच्ची गिर गई। बेटी को बचाने के लिए बच्ची के पिता कुएं में कूद गए। कुएं में डूबने से पिता और बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव कुएं से बाहर निकाल लिए हैं। बिना मुंडेर के कुएं में मासूम बच्ची गिर गई थी। जबलपुर में 8 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आ चुकी है। दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि की गई। अज्ञात शख्स ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी हत्या भी कर दी। 2 दिन पहले मासूम की लाश मिली थी। पड़रिया के तालाब में मासूम का शव मिला था। शव मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने शराब दुकान में आग भी लगाई थी। जबलपुर में 9 दिन पहले हुई अलका केसरवानी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। अलका की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही 23 साल के भतीजे हर्ष ने की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी भतीजे को अब गिरफ्तार कर लिया है। थाना पनागर अंतर्गत जो है दिनांक 19 मार्च को एक मृतिका थी अलका केसरवानी, उनकी जो है वो घर से लाश मिली थी और उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया था और चूंकि वो मर्डर जो था वो क्लियर नहीं हो रहा था कि उसका मर्डर किसने किया है, इसको इन्वेस्टिगेशन करने पर जो है अब ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो मर्डर था ये उसी के जेठ के लड़के हर्ष केसरवानी ने किया है। इधर जशपुर में 2 पहाड़ी कोरवा युवकों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। कुल्हाड़ी से मारकर युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब पी रहे थे और इस दौरान दोनों ही युवक आपस में भिड़ गए। पढ़रापाट चौकी के चुंदापाट गांव की घटना है। भिलाई के बसंत टॉकीज के सामने बंद कार में एक युवक की लाश मिली है। पुलिस ने जब शव को कार से बाहर निकाला तब तक वह सड़ चुकी थी।
पुलिस को हत्या की आशंका हुई, लेकिन जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि होली के दिन युवक कई महीनों से खड़ी कार में जाकर बैठ गया लेकिन बाहर नहीं निकला। वहीं जांच में युवक के परिजनों का पता चला है। वहीं मामले में मृतक के परिजनों ने बताया है कि युवक पिछले 2 महीने से घर नहीं आ रहा था और गैरेज में खड़ी किसी भी बंद कार में वह रात गुजारता था। होली के दिन भी यही हुआ। फिलहाल युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम के बाद भी इस मामले का खुलासा हो सकता है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर 2 स्टॉल दुकानों में भीषण आग लगी। प्लेटफॉर्म 7 पर 2 स्टॉल में आग लगी है। आग लगने से दोनों स्टॉल जलकर राख हो गए। हालांकि इसकी वजह का पता नहीं चल पाया। आरपीएफ थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। चलिए अब जरा आपको नक्सलियों से जुड़ी 2 खबरें दिखाते हैं। बीजापुर में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें 6 नक्सली ढेर हुए थे। आज नक्सलियों ने लोगों में दहशत फैलाने का प्रयास किया। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर पेड़ काटकर सड़क को बाधित किया। मार्ग पर यातायात रुका हुआ था काफी देर तक। सुरक्षा बलों ने पेड़ हटाया, आवागमन को फिर शुरू कराया। इधर कोंडा गांव में नक्सलियों ने मोबाइल टावर का कंट्रोल पैनल जला दिया। आगजनी के बाद बैनर पोस्टर भी छोड़े। बयानार थाने के केजंग गांव का मामला है। 30 तारीख को नक्सलियों ने इस मामले में बंद भी बुलाया। इधर भिलाई के पाटन थाना क्षेत्र के देमार गांव में खाद्य विभाग की कार्रवाई सामने आई है। दूध और पनीर की प्रोसेसिंग यूनिट में छापा मारा गया। खाद्य विभाग की टीम ने दूध, पनीर, दूध पाउडर और यूरिया केमिकल और ऑयल जब्त किए हैं। टीम ने लिए सैंपल जांच और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये बात अधिकारियों ने कही है। अब देखिए कवर्धा के बिजली दफ्तर में घुसे एक अजगर की तस्वीर। अचानक से दफ्तर खोलते ही वहां अजगर मिला जिसे देखकर हड़कंप मच गया। अजगर को फाइनली रेस्क्यू कर लिया गया है। वन विभाग के स्नेक कैचर टीम को बुलवाया गया था। रेस्क्यू के बाद इस अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। राजधानी भोपाल में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। भोपाल की 1443 लोकेशन में एवरेज 7.19% तक प्रॉपर्टी के सरकारी रेट बढ़ जाएंगे। प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू होने से पहले 30 मार्च तक पुराने दामों पर ही रजिस्ट्री होगी और यही वजह है कि कम दामों में अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ इन दिनों शहर भर के सभी रजिस्ट्री ऑफिस में दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा लोग ISBT स्थित जिला पंजीयन ऑफिस पहुंच रहे हैं जहां कई कई दिनों के इंतजार के बाद रजिस्ट्री का नंबर लग पा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में ASI का सर्वे लगातार जारी है। सर्वे के 7वें दिन आज सुबह करीब 8 बजे ASI की टीम भोजशाला पहुंची। आज टीम के साथ कुछ संसाधन भी टीम अपने साथ अंदर ले गई। वहीं हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा और आशीष गोयल सहित मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद खान भी भोजशाला पहुंचे। भोजशाला पहुंचे मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि जो भी जांच चल रही है मुस्लिम समाज के पक्ष में चल रही है। पीछे की तरफ सर्वे चल रहा है। 3 स्पॉट बनाए गए हैं, उसमें 6.5 फीट गहराई तक के गड्ढे खोदे गए हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर राजा भोज थे, अगर धार में थे तो उनका किला कहाँ था, और किला था तो भोजशाला कहाँ थी। भोजशाला मिस्ट्री थी, उसको ढूंढने की कोशिश की जाए तो हम भी चाहते हैं कि उसको ढूंढा जाए। इंदौर में रंग पंचमी के दिन निकलने वाली पारंपरिक गेर को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस साल भी जिला प्रशासन यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार है। पिछले साल ही यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था। यूनेस्को हर 2 साल में एक बार भारत या फिर अन्य देश की किसी धरोहर को शामिल करता है। बता दें कि पिछले साल जिला प्रशासन ने संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से इंदौर की गेर को यूनेस्को में शामिल कराने के लिए भेजा था। वहीं इस साल जिला प्रशासन प्रदेश सरकार के माध्यम से इस संबंध में पत्र संस्कृति मंत्रालय को भेजेगी ताकि अगले साल इंदौर की गेर यूनेस्को में सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल हो सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले याद दिला दें हर बड़ी खबर का अपडेट और साथ में महत्वपूर्ण विषयों पर डिबेट आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आईबीएस 24 पर। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।